is cell to cell communication. Cell to cell communication, communication between cells requires ligand, the signaling molecule, receptor protein, the molecule to which the receptor binds, may be on the plasma membrane or within the cell. तो किसी भी कम्यू सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट लिगेंड, लिगेंड जो कि सिग्नल, जो कि रिसेप्टर से बाइंड होने वाला मॉलिक्यूल होता है, और रिसेप्टर प्रोटीन ये वे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि लिगेंड को अपने से बाइंड करते हैं. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी पाए जा सकते हैं, विद इन सेल के अंदर भी ये पाए जा सकते हैं. तो किसी भी कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ये जो मेम्ब्रेन पर बाउंड है, ये रिसेप्टर जब इसके पास कोई भी लिगेंड आता है, ये लिगेंड इससे बाउंड हो जाता है, और बाउंड होने के बाद ये सेल में एंटर करने के बाद वहाँ जाकर ये सिग्नल जो है ये अपना रेस्पॉन्स शो करता है. देयर आर फाइव बेसिक मैकेनिज्म फॉर सेलुलर कम्युनिकेशन. तो सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर फाइव बेसिक मैकेनिज्म है. फर्स्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सेकेंड पेराक्राइन एंड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, थर्ड एंडोक्राइन सिग्नलिंग, एंड फोर्थ सिनैप्टिक सिग्नलिंग. व्हेन अ लिगेंड बाइंड्स टू अ रिसेप्टर प्रोटीन, द सेल हैज़ अ रेस्पॉन्स. तो किसी भी रिसेप्टर से जब भी कोई लिगेंड आकर बाइंड होता है तो वो सेल में जाने के बाद एक अपना रेस्पॉन्स शो करता है. सिग्नल ट्रांसडक्शन, द इवेंट्स विद इन द सेल दैट अकर इन रेस्पॉन्स टू अ सिग्नल. तो जब भी कोई भी सिग्नल मिलता है और सिग्नल मिलने से सेल जो भी रेस्पॉन्स शो करती है विद इन सेल, सेल के अंदर जाने के बाद जब वो रेस्पॉन्स शो करती है तो इस प्रोसेस को हम सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं. डिफरेंट सेल टाइप्स कैन रेस्पोंड डिफरेंटली टू द सेम सिग्नल. तो एक सेम सिग्नल के प्रति डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रेस्पॉन्स शो करती है. ये सिग्नल सेम है बट फिर भी रेस्पॉन्स उसका डिफरेंट डिफरेंट होता है. सेल कम्युनिकेशन, अ सेल्स रेस्पॉन्स टू अ सिग्नल ऑफन इन्वॉल्व एक्टिवेटिंग और इनएक्टिवेटिंग प्रोटीन. तो सेल के प्रति जब भी रेस्पॉन्स शो होता है तो वो एक्टिवेट भी हो सकता है प्रोटीन और इनएक्टिवेट भी होता है. तो वो एक्टिवेट होकर या इनएक्टिवेट होकर वो अपना रेस्पॉन्स शो करता है. फॉस्फोराइलेशन इज अ कॉमन वे टू फॉस्फोराइलेशन इज अ कॉमन वे टू चेंज द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन. तो किसी भी प्रोटीन की एक्टिविटी को चेंज करने का सबसे कॉमन जो वे होता है वो है फॉस्फोराइलेशन. प्रोटीन काइनेज एन एंजाइम दैट एड्स अ फॉस्फेट टू अ प्रोटीन. तो ये एक इस तरह का एंजाइम है प्रोटीन काइनेज जो प्रोटीन से फॉस्फेट को बाइंड करता है. जब प्रोटीन से फॉस्फेट को एड किया जाता है तो इस तरह का जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है इसे हम प्रोटीन काइनेज कहते हैं. फॉस्फेटेज एन एंजाइम दैट रिमूव्स अ फॉस्फेट फ्रॉम अ प्रोटीन. तो वे एंजाइम जो कि प्रोटीन से फॉस्फेट को रिमूव करते हैं, तो इन इस तरह के एंजाइम जो होते हैं वो फॉस्फेटेज ग्रुप में आते हैं. तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में दो तरह के प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करते हैं. थ्री स्टेजेस ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, फर्स्ट रिसेप्शन, सेकेंड ट्रांसडक्शन एंड थर्ड रेस्पॉन्स. फर्स्ट रिसेप्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल बाय सेल. तो किसी भी सेल को जब बाहर से कोई भी सिग्नल मिलता है और उससे जो रिएक्शन होती है उसे रिसेप्शन कहते हैं. ट्रांसडक्शन ऑफ सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू इनसाइड ऑफ सेल ऑफन मल्टी स्टेप. तो किसी भी सेल के बाहर से जब भी कोई सिग्नल मिलता है और वो सिग्नल सेल के अंदर जाने के बाद जब रेस्पॉन्स शो करता है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं. और ये ट्रांसडक्शन जो प्रोसेस होता है ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है. ये एक तरह का मल्टी स्टेप प्रोसेस है. सेलुलर रेस्पॉन्स, हाँ, नॉट नॉट नेसेसरली ट्रांसडक्शन ऑफ लिगेंड.
cellular response. Response is initiated and or occurs entirely within receiving cells. तो कोई भी cells जब भी कोई भी signal accept करती है तो उससे response जो होता है वो show किया जाता है, initiate किया जाता है, तो completely किया जाता है वो within cell के अंदर. थ्री स्टेजेस ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन. नंबर वन देखिए, ये एक रिसेप्टर है. जब इस रिसेप्टर पर कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल आकर ऐड होता है और ऐड होने के बाद ये सेल के अंदर एंटर करता है, और एंटर करने के बाद ये देखिए मल्टी स्टेप्स है. तो ये जो एंटर करने के बाद अब ये सिग्नल जब लिगेंड से बाइंड हुआ और इसने जो रिस्पॉन्स शो किया अंदर, तो ये अंदर जाना ये तो ट्रांसडक्शन कहलाया, देन फाइनली इसने रेस्पॉन्स शो किया. तो ये एक सिंपल स्टेजेस हैं, थ्री स्टेजेस होती है सिग्नल ट्रांसडक्शन की. तो नंबर वन होता है रिसेप्शन, सेकंड होता है ट्रांसडक्शन, एंड थर्ड होता है रेस्पॉन्स. थ्री स्टेजेस अगेन इसमें शो किया गया है. देखिए ये सिग्नल मॉलिक्यूल है, रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है, और बाइंड होने के बाद ये क्या है, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है ये यहाँ पर रिसेप्टर, तो जब जैसे इससे बाइंड होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो चेंज हो जाती है, और इससे क्या है यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ पर क्रिएट होता है, और ये प्रोटीन कैसा हो जाता है, अब ये वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन हो जाता है, और यहाँ पर एक सेलुलर रेस्पॉन्स शो किया जाता है. तो ये सारी जो स्टेजेस हैं ये देखिए, फर्स्ट रिसेप्शन, ये ट्रांसडक्शन की देखिए मल्टी स्टेजेस हैं ये बीच वाली, एंड लास्ट में ये फाइनली रेस्पॉन्स शो करता है. तो ये कहलाता है यहाँ पर थ्री स्टेजेस. अगेन सेम थिंग, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स कैन बी डिफाइंड बाय देयर लोकेशन. तो देखिए रिसेप्टर को उसकी लोकेशन के बेस पर ही डिफाइन किया गया है. जैसा फर्स्ट है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर लोकेटेड विद इन द सेल, तो जो सेल के अंदर पाए जाते हैं रिसेप्टर, तो इस तरह के रिसेप्टर को हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं. सेकेंड है सेल सरफेस रिसेप्टर और मेम्ब्रेन रिसेप्टर लोकेटेड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू बाइंड अ लिगेंड आउटसाइड द सेल. तो इस तरह के जो रिसेप्टर होते हैं ये सेल की सरफेस पे पाए जाते हैं या मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, और एक्चुअली ये क्या होते हैं कि ये लिगेंड्स को सेल के बाहर ही बाउंड करते हैं. तो सेल के बाहर ही ये सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, सेल की सरफेस पे पाए जाते हैं, इसलिए ये जो भी लिगेंड इनके पास आते हैं तो ये बाहर ही सेल के बाहर ही इसको क्या करते हैं, बाइंड कर लेते हैं. देयर आर थ्री सब क्लासेस ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर. तो मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उनके भी थ्री सब क्लासेस में इसको क्लासीफाई किया है. फर्स्ट है चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, आयन चैनल दैट ओपन इन रेस्पॉन्स टू अ लिगेंड. तो देखिए इस तरह से जो आयन चैनल जो पाए जाते हैं उसके द्वारा भी क्या होता है, रेस्पॉन्स शो किए जाते हैं. एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर इज एन एंजाइम दैट इज एक्टिवेटेड बाय द लिगेंड. तो ये जो एंजाइमेटिक रिसेप्टर होते हैं बेसिकली ये एंजाइम ही होते हैं, एक प्रकार के एंजाइम ही हैं, और जैसे इसके पास कोई लिगेंड आ जाता है तो ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं. थर्ड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. तो जी प्रोटीन जो रिसेप्टर होते हैं ये जीटीपी को अपने से बाउंड कर लेते हैं और साथ में सिग्नल को ट्रांसमिटेड करते हैं. ये डिफरेंट डायग्राम से देखिए, ये आयंस हैं, ये लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स यानी सिग्नल, और ये देखिए यहाँ पर आकर बाउंड हो रहे हैं. नेक्स्ट में भी सेम देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिग्नल, ये रिसेप्टर्स हैं, ये जी प्रोटीन रिसेप्टर से देखिए इनमें तीन यूनिट्स होती है अल्फा बीटा गामा. तो ये देखिए जीडीपी को अपने से बाउंड कर लेते हैं. ये एंजाइम्स हैं, तो अलग अलग नेचर के सिग्नल्स होते हैं, अलग अलग नेचर के हैं देखिए रिसेप्टर्स. ये लिगेंड देखिए यहाँ से बाउंड हो गया रिसेप्टर से, और अंदर आने के बाद ये एक्टिवेटेड हो गया. तो पहले देखिए इनएक्टिवेट था, लेकिन जैसे ही इससे बाउंड होता है तो ये देखिए कैसा हो गया, एक्टिव हो गया. इस तरह से यहाँ पर सेलुलर रेस्पॉन्स शो किया जाता है. बी ये देखिए चैनल्स है, चैनल्स के थ्रू भी आयंस सेल के अंदर एंटर करते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं. इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, स्टीरोइड हार्मोन्स. जो स्टीरोइड हार्मोन्स एक तरह के इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हैव अ नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल स्ट्रक्चर. तो ये नॉन पोलर होते हैं और लिपिड सॉल्युबल स्ट्रक्चर होते हैं.
कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द स्टेरॉइड रिसेप्टर. तो ये आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा क्रॉस हो जाते हैं. यूजुअली इफेक्ट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो मेनली जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं. एन इनिबिटर ब्लॉक्स द रिसेप्टर फ्रॉम बाइंडिंग टू डीएनए अंटिल द हार्मोन इन प्रेजेंट. यदि हार्मोन प्रेजेंट है उसके बावजूद भी यदि डीएनए से ऐसा रिसेप्टर आकर बाउंड हो जाए जो कि वो कैसा है कि इनिबिटर नेचर का है, तो क्या है प्रोसेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके फीडबैक पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा. इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, स्टेरॉइड रिसेप्टर हैज थ्री फंक्शनल डोमेन. तो जो ये स्टेरॉइड नेचर के जो रिसेप्टर होते हैं इनके थ्री फंक्शनल डोमेन होते हैं. डोमेन क्या होते हैं, जहां पर ये बाइंड होते हैं उसको डोमेन कहते हैं हम. तो हार्मोन बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डोमेन दैट इंटरैक्ट विथ को एक्टिवेटर्स टू इफेक्ट जीन एक्सप्रेशन. तो थ्री तरह के यहाँ पे डोमेन हो गए, एक तो हार्मोन से बाइंड होने वाला डीएनए बाइंडिंग डोमेन, और इसमें थर्ड नंबर पर आ रहे हैं को एक्टिवेटर्स. जो को एक्टिवेटर्स है वो बेसिकली करता क्या है, जीन एक्सप्रेशन को इफेक्ट करता है. तो तीन तरह के यहाँ पर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हैं. रिसेप्टर काइनेसिस, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस, ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं. देखिए व्हेन बाउंड बाय अ लिगेंड द रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड बाय डाइमराइजेशन एंड ऑटोफॉस्फोराइलेशन. तो इस तरह के रिसेप्टर में देखिए, जब ये रिसेप्टर किसी लिगेंड से बाइंड होते हैं या बाउंड होते हैं तो ये रिसेप्टर जो है ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं. कैसे एक्टिवेटेड हो जाते हैं, या तो उनका ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाता है या इनका डाइमराइजेशन हो जाता है यहाँ पर. तो इस तरह से यहाँ पे फॉस्फेट के ऐड होने से क्या हो जाता है, ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं. एक्टिवेटेड रिसेप्टर एड्स ए फॉस्फेट टू टायरोसिन ऑन अ रेस्पॉन्स प्रोटीन. तो जैसे ही प्रोटीन यानी टायरोसिन से कोई भी फॉस्फेट अगर आकर एड हो जाता है तो उससे क्या होता है, ये रिसेप्टर एक्टिवेटेड हो जाता है यहाँ पर. एन एग्जाम्पल इज इंसुलिन रिसेप्टर. जैसे कि इंसुलिन रिसेप्टर का बेस्ट एग्जाम्पल है. रिसेप्टर काइनेज जो होते हैं, देखिए काइनेज कैस्केड अ सीरीज ऑफ प्रोटीन काइनेजेस दैट फॉस्फोराइलेट ईच अदर इन सक्सेशन. तो इसमें देखिए प्रोटीन काइनेज की एक सीरीज होती है. जो काइनेज कैस्केड क्या है, ये प्रोटीन काइनेसिस एंजाइम की एक सीरीज होती है. इसका बेसिक वर्क क्या होता है, ये फास्फोराइलेशन में हेल्प करते हैं. एम्पलीफाइज द सिग्नल बिकॉज अ फ्यू सिग्नल मॉलिक्यूल्स कैन एलिसिट अ लार्ज सेल रिस्पॉन्स. तो फिर ये क्या करते हैं, उस सिग्नल्स को फिर एम्पलीफाई करते हैं. फिर मिटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेसिस. तो ये भी देखिए काइनेसिस का एक पूरा ग्रुप है, आर एक्टिवेटेड बाय काइनेस कास्केड. तो काइनेस कास्केड का एक पूरा ग्रुप है, उसके द्वारा ये भी एक्टिवेट होता है. तो ये काइनेसिस के टाइप है, रिसेप्टर काइनेस के टाइप से ये. अब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये रिसेप्टर्स हैं. तो ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है. जी प्रोटीन यानी प्रोटीन बाउंड टू जीटीपी. तो जो ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से जाकर जो प्रोटीन बाउंड होता है तो वो जी प्रोटीन ग्रुप में आता है. जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसमें कौन आता है, देखिए रिसेप्टर्स बाउंड टू जी प्रोटीन. तो जो जी प्रोटीन को बाउंड करते हैं वो भी इस ग्रुप में आते हैं. जी प्रोटीन इज अ स्विच टर्न ऑन बाय द रिसेप्टर. तो रिसेप्टर से जब भी ये प्रोटीन बाउंड होते हैं तो वहां पर स्विच टर्न रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है. जी प्रोटीन देन एक्टिवेट्स एन इफेक्टर प्रोटीन. तो जी प्रोटीन से जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो वहाँ पर एक्टिवेशन होता है, और एक्टिवेशन से एंजाइम क्या होता है, एंजाइम अपना वहाँ पर रिस्पॉन्स शो करता है. तो वो इफेक्ट शो करता है. देखिए ये लिगेंड है, ये जी पी सी आर का ये टाइप है. देखिए तो यहाँ से जब इससे लिगेंड बाउंड हुआ ये, तो ये देखिए जी डी पी इससे बाउंड हो रहा है, देख रहे हैं आप. और जी डी पी किस में कन्वर्ट हो रहा है, जी टी पी में, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट में. ये देखिए साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस है, तो इस साइटोप्लाज्म में आके रिलीज कर दिया जाता है इसको. और यहाँ पे देखिए ये एडिनाइल साइक्लेज से ये बाउंड हो गया. बाउंड होने के बाद एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए सीएमपी में, यानी मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया. इससे ये एक्टिवेट पी, ये देखिए फास्फोकाइनेज, ये एक्टिवेटेड हो गया और उसने सेल के अंदर जाके रेस्पॉन्स शो किया. तो ये सीएमपी पाथवे एक तरह का. सेल टू सेल इंटरेक्शंस,
सेल्स कैन आइडेंटिफाई ईच अदर बाय द सेल सरफेस मार्कर. तो देखिए सेल्स एक दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई करती है, उसके ऊपर सरफेस पे कुछ मार्कर्स पाए जाते हैं, उस मार्कर्स की वजह से सेल एक दूसरे को आइडेंटिफाई करती है. ग्लाइकोलिपिड्स आर कॉमनली यूज एज टिश्यू स्पेसिफिक मार्कर्स. तो जो ग्लाइकोलिपिड्स है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ये टिश्यू पर पाया जाने वाला स्पेसिफिक मार्कर है. मेजर हिस्टोकंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स आर यूज बाय सेल्स टू डिस्टिंग्विश सेल फ्रॉम नॉन सेल. तो ये देखिए MSC जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, बेसिकली ये सेल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए ही यूटिलाइज किए जाते हैं. तो सेल्स को इसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है सेल टू सेल इंटरेक्शन में. सेल्स विद इन अ टिश्यू आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय सेल जंक्शंस. तो देखिए सेल्स जो होती हैं, यहाँ तक कि टिश्यू में भी एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, तो अलग अलग टाइप के सेल जंक्शंस पाए जाते हैं. जैसे फर्स्ट है टाइट जंक्शन. टाइट जंक्शन क्रिएट शीट्स ऑफ द सेल्स. तो सेल्स के बीच में एक तरह का शीट क्रिएट करता ही है. एंकरिंग जंक्शंस कनेक्ट द साइटोस्केलेटन्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स. तो एडजेसेंट सेल्स के साइटोस्केलेटन को एक साथ ये क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं. कम्युनिकेटिंग जंक्शंस परमिट स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास बिटवीन सेल. तो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो गैप जंक्शंस होते हैं, तो गैप जंक्शंस के थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने के लिए उसको क्या करते हैं, परमिट करते हैं ये. तो ये था आज का टॉपिक.